नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 2 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 54,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार 2502 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 54,508 पर पहुंच गई है। अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 26, अरवल में 22, औरंगाबाद में 48, बांका में 58, बेगूसराय में 128, भागलपुर में 73, भोजपुर में 50, बक्सर में 43, दरभंगा में 44, पूर्वी चंपारण में 76, गया में 112, गोपालगंज में 62, जमुई में 27, जहानाबाद में 43, कैमूर में 27, कटिहार में 46, खगड़िया में 71, किशनगंज में 39, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 48, मधुबनी में 47, मुंगेर में 57, मुजफ्फरपुर में 175, नालंदा में 83, नवादा में 25, पटना में 442, पूर्णिया में 85, रोहतास में 90, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 71, सारण में 44, शेखपुरा में 33, शिवहर में 18, सीतामढ़ी में 46, सिवान में 52, सुपौल में 43, वैशाली में 63, पश्चिम चंपारण में 66। वहीं अब तक कोविड-19 से कुल मिलाकर 35,473 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से कुल मिलाकर 312 लोगों की जान जा चुकी है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई में पटना पुलिस के साथ किसी भी तरह के गलत व्यवहार नहीं होने की पुष्टि की है, क्योंकि कुछ दिनों पहले से सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस द्वारा बिहार पुलिस पर दबाव बनाने साथ ही गलत व्यवहार करने की बात सामने आई थी। मगर अब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सामने आकर सभी आरोपों को खारिज किया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि मुंबई पुलिस प्रोफेशनल्स है, उनके सहयोग की पूरी उम्मीद है। बिहार पुलिस वहां पहुंचकर सही दिशा में मामले की जांच कर रही है। जल्द ही इस पूरे मामले में कई बातों का खुलासा हो सकता है। बिहार और झारखंड के डाकघरों में बेचे जाएंगे मधुबनी पेंटिंग युक्त मास्क। कोविड-19 के इस माहौल में मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं इसी माहौल में रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं, जहां पर लोग मास्क के अलग अलग और तरह तरह के डिजाइन को बनाकर बेच रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला मधुबनी पेंटिंग रहा है। जिसके बाद बिहार और झारखंड के डाकघरों में भी मधुबनी पेंटिंग युक्त मास्क को बेचा जाएगा। डाक विभाग बिहार परिमंडल ने इसकी तैयारी कर ली है, साथ ही लगभग 2 लाख की खरीदारी होगी। विभाग ने मधुबनी के लोक कलाकारों से पेंटिंग युक्त का नमूना मांगा है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर सब कुछ सही रहा तो सोमवार को मधुबनी के कलाकार 200 मधुबनी पेंटिंग से युक्त मास्क डाक विभाग को भेज देंगे। जिलाधिकारी कुमार रवि भी आए अब कोविड-19 की चपेट में। कोविड-19 के रोकथाम में लगे सभी अधिकारी और कर्मी धीरे धीरे करके कोविड-19 की चपेट में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि की रिपोर्ट भी बीते दिन पॉजिटिव बताई गई है। कुमार रवि की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें होम आइसोलेशन में फिलहाल डाल दिया गया है। सिर्फ जिलाधिकारी कुमार रवि ही नहीं, बल्कि कोविड-19 के इस माहौल में कई लोग जो लोगों को बचाने में लगे वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि जिलाधिकारी कुमार रवि इससे पहले 2 बार अपनी जांच करवा चुके हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद उन्होंने आरटीपीसीआर जांच कराया था, जिसमें रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। कोविड-19 को रोकने के लिए बिहार सरकार ने जारी किया एक नया ऐप। बिहार में बेकाबू हो चुके कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक नए ऐप को लॉन्च किया है, जिसका नाम संजीवन रखा गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संजीवन मोबाइल ऐप में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपाय और जांच उपचार, स्वास्थ्य संस्थानों की सूची और दूसरे महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी कोविड-19 जांच करने के लिए पंजीकरण और जांच का परिणाम आसानी से प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, इस ऐप की मदद से नजदीकी आइसोलेशन सेंटर की जानकारी, आइसोलेशन सेंटर में बेड की उपलब्धता, नजदीकी सेंटर की जानकारी भी आसानी से अब लोगों को मिलेगी। इसके लिए सभी लोग प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र की संख्या में होगी बढ़ोतरी। इस साल कोविड-19 और बाढ़ के माहौल के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारी जारी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने 33,804 नए सहायक बूथों की गठन की स्वीकृति दे दी है। यानी कि राज्य में मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में कुल 10,06,527 बूथ पर मतदान करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, आयोग ने जिलों द्वारा प्रति 1,000 मतदाताओं पर एक बूथ के गठन की स्वीकृति दे दी है। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि नए सहायक बूथों में 3,233 ऐसे बूथ हैं जिनकी स्थापना 2 किलोमीटर के अंदर करवाई जाएगी, जिससे मतदाता आसानी से वहां जाकर मतदान कर सकेंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में जन्मे पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी के नाम से उनके गांव में उन्हें पहचाना जाता है। ननिहाल से प्रारंभिक शिक्षा पाकर उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद भी और सहयोग मुहिम में शुरू हो गए थे, जिसके बाद प्रभाव, शरीर, भाषा और फिर आकर्षक एवं शौर्य के अभाव से परिपूर्ण व्यक्तित्व की बदौलत वह लोगों के दिलों पर राज करते थे। वे एक सफल संपादक के रूप में भी याद किए जाते हैं। वे राजनीतिक पुरुष नहीं थे, परंतु पक्के देशभक्त जरूर थे। वो एक हिंदी साहित्य के पत्रकार भी रहे और इन्होंने
कई समाचार पत्र जैसे युवक में 1921 में भी निकाला था। राम वृक्ष को कलम का जादूगर कहा जाता था। बेनीपुरी की भाषा सीधी और बेहद छोटे छोटे वाक्यों में बनी सजीली भाषा थी। बेनीपुरी जी की रचनाओं में छोटे वाक्य दृश्य के नजरों के आगे जीवंत करने की क्षमता प्रेमचंद्र जैसी थी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आपदा राहत कोष को लेकर केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी। बिहार के आपदा राहत कोष को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन केंद्र सरकार को एक चिट्ठी जारी की है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बिहार सरकार ने 15वें वित्त आयोग का एक पूरा ज्ञापन भेजकर केंद्र द्वारा दी जाने वाली आपदा कोष की राशि का अनुपात 75-25 से बदलकर उत्तर पूर्व के राज्यों की तरह 90-10 करने की मांग की गई है। सालों भर बाढ़, सूखा और अन्य आपदाओं से जूझते रहने के कारण बिहार को हर साल अपने खजाने से काफी बड़ी राशि राहत और बचाव पर खर्च करनी पड़ जाती है, जिसके राज्य अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उसे खर्च कर सके। 16 अगस्त तक लगाया गया लॉकडाउन में दुकान को खोलने की दी गई इजाजत। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण बीते दिन से एक बार फिर से 16 अगस्त तक लॉकडाउन के नियमों को लागू कर दिया गया है। हालांकि इस बार लगाए गए लॉकडाउन में पटना वासियों को थोड़ी छूट दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बीते दिन से पटना शहर में दुकानों को खोलने की अनुमति शर्तों के साथ दे दी गई है, जिसके बाद बीते दिन दुकानें गुलजार देखने को मिली। हालांकि राजधानी पटना में बेकाबू हो चुके मामलों को देखते हुए दुकान में ज्यादा लोगों की संख्या नहीं दिखी। इतना ही नहीं, बाजार भी सुनसान देखने को मिले। 2 कर्मियों के गुजरने के बाद पटना गृह विभाग के सभी कर्मियों का कोविड-19 जांच करवाने का आदेश। गृह विभाग के 2 कर्मियों की कोविड-19 की वजह से जान गंवाने के वाक्य के बाद अब पटना गृह विभाग के सभी कर्मियों की कोविड-19 जांच करवाने का आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार पटना गृह विभाग के सभी कर्मचारियों का RT-PCR के माध्यम से जांच करवाया जाएगा, जो कि 4 अगस्त तक पूरा करवाए जाने की संभावना जताई गई है। वहीं आपको बता दें, 2 कर्मियों की जान गंवाने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग से जांच करवाने की मांग की गई थी, इसके बाद अब जांच करवाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। सभी बाढ़ प्रभावितों के खाते में 10 अगस्त से पहले राशि भेजे जाने की कही गई बात। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए उनके खाते में 6,000 की सहायता 10 अगस्त से पहले भेजे जाने की जानकारी साझा की गई है। यह जानकारी आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने दी है और बताया है कि अभी तक 1,42,192 परिवारों के खाते में 85.32 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। बिहार में फिलहाल 14 जिले बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित है, जिसमें 46 लाख लोग बाढ़ की चपेट में है। हालांकि बाढ़ प्रभावितों के लिए फिलहाल NDRF और SDRF के द्वारा सूखा खाना वितरण करवाया जा रहा है। अखिल भारतीय सर्वे में बिहार के कृषि विश्वविद्यालय पूसा को मिला 10वां स्थान। इंडिया टुडे ग्रुप के देश के सभी विश्वविद्यालयों के सर्वे की रैंकिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर विश्वविद्यालय को पूरे देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वे में विश्वविद्यालय को विभिन्न मानकों पर 1587 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को 1588 अंक हासिल हुए। इस संबंध में कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय के इस उपलब्धि को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने चुनाव आयोग के नाम पर जारी की चिट्ठी। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार विपक्षी दल चुनाव को स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं इसी क्रम में बीते दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने चुनाव आयोग के नाम चिट्ठी जारी कर दी है, जिसके तहत उन्होंने बिहार में चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर आयोग के सामने रखा है। साथ ही पूछा है कि क्या बिहार में अब कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए चुनाव कराना योग्य स्थिति है। चुनाव में जनसंपर्क आवश्यकता है, सुरक्षित जनसंपर्क कैसे होगा चुनाव आयोग इस बात की भी जानकारी दे। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर चलने वाली 4 स्पेशल ट्रेनों का हुआ मार्ग परिवर्तन। आज यानी कि 2 अगस्त को बाढ़ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर चलने वाली 4 स्पेशल ट्रेन का मुजफ्फरपुर से दरभंगा के बीच में मार्ग परिवर्तन कर दिया गया है, जिसके तहत 2 अगस्त को दरभंगा से प्रस्थान करने वाली दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का मार्ग परिवर्तन करके दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाया जाएगा। वहीं 1 अगस्त 2020 को नई दिल्ली से चलकर 2 अगस्त को दरभंगा पहुंचने वाली नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी दरभंगा के रास्ते चलाई जाएगी। इसके साथ ही 31 जुलाई 2020 को अहमदाबाद से प्रस्थान करने वाली दरभंगा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 2 अगस्त को अपने निर्धारित मार्ग से बदलकर दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते दरभंगा पहुंचने वाली है। वहीं 3 अगस्त 2020 को दरभंगा से प्रस्थान करने वाली दरभंगा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग से बदलकर दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी। बीते दिन बिहार में 24 घंटे में हुई रिकॉर्ड तोड़ जांच। कोविड-19 के बेकाबू हो चुके मामलों को देखते हुए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कोविड-19 जांच की क्षमता को बढ़ाए जाने पर जोर दिया था। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 28,624 लोगों की कोविड-19 जांच की गई है, जो कि अब तक सर्वाधिक मामला है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के इन आंकड़ों को मिलाकर बिहार में अब तक 5,76,796 लोगों की जांच हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जांच की संख्या बढ़ाए जाने से लगातार प्रभावितों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है।
सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार पुलिस को लेकर सरकार ने दी अपनी प्रतिक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सामने आने के बाद नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद पटना से पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के मामले की छानबीन करने मुंबई पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। IPRD की आधिकारिक वेबसाइट से मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार ने लिखा है कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री के सिंह ने पटना में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के मामले से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसकी जांच करना बिहार पुलिस का वैधानिक कर्तव्य एवं दायित्व। सभी पक्षों को जांच में सहयोग करना चाहिए। बिहार में 49 लाख से ज्यादा लोग हैं बाढ़ से प्रभावित। बिहार में बाढ़ प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में राज्य के 14 जिलों के 112 प्रखंड की 1043 पंचायतों की 49,50,000 आबादी फिलहाल बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी कर दिया है और कहा है कि बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य लगातार करवाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ से प्रभावित जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान और मधुबनी का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से मुजफ्फरपुर NH-722 और मोतिहारी में NH-74 पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। बिहार में चुनाव को लेकर तैयारी हुई तेज। बिहार में COVID-19 में चुनावी तैयारियां जारी है। हालांकि विपक्षी दल लगातार COVID-19 के माहौल में बिहार में विधानसभा चुनाव को स्थगित करवाने का सुझाव दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार चुनावी तैयारी में व्यस्त नजर आ रही है। बिहार निर्वाचन विभाग ने सूबे के सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जिले में कार्यरत तमाम नियोजित कर्मियों की पूरी सूची उपलब्ध कराने का आदेश भी जारी कर दिया है। बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को 5 अगस्त तक नियोजित कर्मियों की पूरी सूची उपलब्ध कराने को कहा है। नेपाल में बारिश की रफ्तार हुई धीमी। नेपाल में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, जिसकी वजह से नदियों के उफान में भी कमी दर्ज की गई है। गंगा के जलग्रहण क्षेत्र में तेज जबकि बागमती के जलग्रहण क्षेत्र में आंशिक बारिश देखने को मिली है। कोसी के जलग्रहण वाले इलाके में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, हालांकि इससे नदियों में उफान आने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। कुछ जगहों को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर बारिश के प्रभाव को कम देखा गया है। इसके बाद सभी नदियों का जल स्तर लाल निशान के नीचे जा रहा है। कुछ ही स्थानों पर अब उन जल स्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। बागमती, सीतामढ़ी के ढेंग और दरभंगा के हायाघाट में बूढ़ी गंगा रोसरा और खगड़िया के महानंदा किशनगंज में और घाघरा सिवान में ऊपर जा रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से लगाए आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर सवाल उठाने का। इसी क्रम में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मौके की नजाकत को भांपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में बाढ़ से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार चैन की नींद सो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 137 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं। जल संसाधन और आपदा मंत्री भी गायब है। सबके सब घर में बैठे जुबानी चला रहे हैं। इनकी अव्यवस्था के चलते लोगों की जान जा रही है। पता नहीं इनमें झूठ बोलने और सोने की हिम्मत कहां से आ जाती है। केसी त्यागी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा है कि चुनाव सही समय पर होना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी भी कर रही है। बूथों पर पहले 1600 लोगों के आने जाने की जगह अब 1000 कर दिया गया है। बूथ संख्या में भी बढ़ोतरी की जा रही है, मगर विपक्षी दल बार बार चुनाव का आयोजन करवाने से मना कर रही है। ये ऐसे लोग हैं जो हताश निराश है, जिनके पास कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, वही चुनाव के आयोजन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही चुनाव आयोग हमें निर्देश देगा, वैसे ही चुनावी तैयारी के लिए जुट जाएंगे। राज्यसभा सांसद अमर सिंह के गुजरने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यक्त की अपनी शोक संवेदना। बीते दिन राज्यसभा सांसद अमर सिंह के गुजरने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संवेदना में कहा है कि वे एक राजनेता और समाजसेवी थे। उनके गुजरने से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत क्षति हुई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे समय में परिवार और प्रशंसकों को धैर्य रखने की प्रार्थना की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्यसभा सांसद ने बीते दिन सिंगापुर में अपनी आखिरी सांस ली है, जहां वो पिछले कई महीनों से इलाजरत थे। IPL में 50% स्टेडियम को भरने की है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की इच्छा। IPL के आयोजन की तारीख लगभग तय मानी जा रही है, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले IPL में स्टेडियम को 30-50% तक दर्शकों से भरने की इच्छा जाहिर की गई है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सचिव उस्मानी ने बताया है कि अगर सरकार मंजूरी देती है तो वह संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग में स्टेडियम को 50% तक दर्शकों से भरना चाहेंगे। IPL का आयोजन 19 सितंबर से 8 नवंबर तक होने की तारीख की घोषणा अभी फिलहाल की गई है। तारीख का ऐलान करने के बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने UAE में IPL कराने को लेकर भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है।
दोपहिया वाहनों की खरीदारी हुई और सस्ती। देश भर में कार और दोपहिये के इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव किया गया है, जिसके बाद वाहनों को खरीदना पहले के मुकाबले अब आम नागरिकों के लिए सस्ता हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय बीमा विकास और नियामक प्राधिकरण ने बीते दिन से मोटर, थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव कर दिया है। जारी किए गए निर्देश के अनुसार अब कार की खरीद पर ग्राहकों को 3 साल और दोपहिया वाहनों की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कर लेना अनिवार्य नहीं होगा, जिसके बाद बीते दिन से नया नियम पूरे देश में लागू हो गया है और दोपहिया वाहन खरीदना और भी सस्ता हो गया है। व्हाट्सएप पर जल्द ही यूजर को मिलेंगे नए इमोजी। व्हाट्सएप यूजर को जल्द ही व्हाट्सएप में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप लेटेस्ट चेंज को एंड्रॉइड के लिए रोल करने वाला है। हाल ही में व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही यूजर के लिए एनिमेटेड स्टिकर्स को जारी किया था। वहीं अब व्हाट्सएप द्वारा कुछ नए इमोजी में और कपड़ों के नए कलर टोन, हेयर स्टाइल और स्किन टोन जैसे बदलाव शामिल किए गए हैं। व्हाट्सएप बीटा ट्रैकर ने सबसे पहले एंड्रॉइड के व्हाट्सएप बीटा वर्जन में लेटेस्ट इमोजी आने की जानकारी दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रोहित राज, पप्पू पंडित, श्याम सुंदर कुमार शाह, ओमकार सिंह, मिथिलेश कुमार, अनिल कुमार, अरविंद कुमार मंडल, विशाल भान सिंह, विनय शर्मा, राकेश वर्मा, पिंकी कुमारी, राकेश कुमार, प्रदीप कुमार यादव, घनश्याम कुमार, रवि रॉय, नीरज कुमार, ऋषभ कुमार, कौशल कुमार, वीरेंद्र कुमार, विकास कुमार, श्रवण संगम, विपिन कुमार, कुमकुम कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे कदमों से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल नॉनस्टॉप खबरों को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।